मेरा इस एनुअली जो ये होता है, इतना बड़ा एक महोत्सव बन चुका है ये, मैं इसके हिस्सा रही हूँ। मैं पहले भी आई हूँ, एकदम पहला साल था तब आई हूँ, और आज इस बार 10th ईयर है, तो बहुत गर्व की बात है। मुझे बहुत दीपक पंडित मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, और उनके परिवार के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है, और मैं बहुत अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानती हूँ कि इतने गुणी खानदान म्यूजिशियंस के साथ मेरा उठना बैठना है। हमने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है थ्रू आर वर्क टुगेदर, और ये जो लेगेसी है उनके पापा की और शंकर जी, शंभू जी, इसको आगे लेके जा रहे हैं और इतना बड़ा काम कर रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक को नए जनरेशन तक और अच्छे अच्छे कलाकारों को इस स्टेज पर लेके आ रहे हैं। इससे बेहतर और अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड एज अ म्यूजिशियन आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि आई एम विटनेसिंग दिस, और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि मुझे इसका एक मेमोरियल अवार्ड, मैं इसके लिए आई हूँ, तो बहुत मेरे लिए इमोशनल डे है। जिस नाम से ये अवार्ड है, तो शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड, इस नाम के साथ ही इतनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। ये आशीर्वाद है उनका ऊपर से, हम सब बच्चों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं इसलिए हम म्यूज़िक कर पा रहे हैं, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे गाने को आगे तक लेके जाना है। अपने हमारे टाइम्स, हमारा जनरेशन जो है क्लासिकल म्यूज़िक और अच्छे म्यूज़िक की तरफ रुझान रखे, और इस हमारा जो इतना रिच कल्चर है भारत का, हमारे भारतीय म्यूज़िक को आगे लेके जाने के लिए और भी लोग जुड़ जाए इस। सो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी अ रेसिपिएंट। मैम, श्रोताओं के दिल में आपकी आवाज़ राज करती है। अभी इस नए साल में हम आपको कहाँ कहाँ सुन पाएंगे, क्या कुछ पाइपलाइन? कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ये कहना बड़ा मुश्किल है जब तक कि फिल्म नहीं रिलीज़ होती है कि क्या है, पर अच्छे अच्छे गाने हैं, कुछ रहमान सर के हैं, प्रीतम दा के हैं, दीपक भाई के साथ भी हमने कुछ काम किया है। आप सून देखेंगे, उनका बेटा है समीर, वो भी बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत टैलेंटेड फैमिली है, तो आगे की जनरेशन भी अच्छी गा रही है, तो हमने उनके साथ भी कुछ किया है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड वर्क, फिल्म, नॉन फिल्म, हिंदी, साउथ इंडियन, रीजनल लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ इट हैपनिंग ऑल टुगेदर। मैम, इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं उससे फिल्म इंडस्ट्री को या संगीत की दुनिया को कितना फायदा होता है या क्या सीखने को मिलता है अगली जनरेशन? जैसे मैंने कहा कि इससे प्रोत्साहन मिलता है आगे की जनरेशन को, जो लोग म्यूज़िक में अपना पूरा समर्पण कर चुके हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, उनको ऐसे स्टेज पर अच्छे दिग्गजों के सामने आना, उनके साथ उठना बैठना, और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग एटमोसफियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज़ टाइम्स, बिकॉज अदरवाइज बहुत आई फील बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है हमारा म्यूज़िक। सो समवेयर हमारी जो रूट्स हैं उसको ना लोग भूल जाएं, तो इसके लिए ऐसे अवार्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहूँगा? बहुत बहुत थैंक यू, मैं यहाँ हूँ बिकॉज ऑफ माई फैंस, मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, उनको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और व्हाट कैन आई से, आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट। बिकॉज ऑफ योर लव आई फील एनर्जाइज, मोटिवेटेड टू कीप डूइंग गुड वर्क। तो आप प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। थैंक यू।